अमेरिका में राहुल गांधी के बयान पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का हमला, बिना नाम लिए बोले विदेश में भारत को नीचा दिखाने वाले देश के शत्रु। देश के बाहर तो भारत को नीचा दिखाना चाहने वाले शत्रु है, अपने स्वार्थ के लिए भारत को दबाए रखने वाले, आपस में झगड़ता लड़ता रखना चाहने वाले लोग हैं। अमेरिका में राहुल गांधी के बयान पर लगातार तीसरे दिन घमासान, मुस्लिम लीग को बताया धर्म निरपेक्ष पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर बोला हमला। छत्रपति शिवाजी के 350वें राज्याभिषेक दिवस पर प्रधानमंत्री ने किया नमन, बोले स्वराज की स्थापना करने वाले शिवाजी ने दी राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिवस हम सभी के लिए नई चेतना, नई ऊर्जा लेकर आया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद, सेना, सीआरपीएफ और पुलिस ने इलाके को चारों तरफ से घेरा। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने की राजद्रोह कानून को बनाए रखने की सिफारिश, गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कुछ सुझावों का भी किया जिक्र, अधिकतम सजा उम्र कैद करने की सिफारिश। सामने आया बृजभूषण के खिलाफ दर्ज एफआईआर का ब्यौरा, पहलवानों को दो एफआईआर में गंभीर आरोप, दर्ज धाराओं में 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान। उमेश पाल हत्याकांड में फरार आरोपियों की बेहद करीब पहुंची पुलिस की टीम, अतीक की बहन और अशरफ की पत्नी की सटीक लोकेशन मिलने की खबर, प्रयागराज के एक गांव को पुलिस ने घेरा। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर देर रात पुलिस की छापेमारी, पीटीआई नेता परवेज इलाही लाहौर से गिरफ्तार, इमरान के करीबियों के पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल, दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर वन भरोसा बनता है वो, जो उनके मुद्दे उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर वन पसंद बनता है वो, जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है, देश का नंबर वन न्यूज चैनल बनता है वो, जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया।